वेलकम बैक टू क्लास। आई एम अशफाक खान। आज देखते हैं नया टॉपिक फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि दो फोर्सेस के बीच में जो होता है, दो चार्जेस के बीच में जो होता है, फोर्स काम करता है। जैसे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं होती हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हों, जैसे 11th में पढ़ा होगा न्यूमेरिकल वगैरह कि पृथ्वी है, पृथ्वी से किसी वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो कितना गुरुत्व बल लगाएगी, तो एक हो जाता है मास पृथ्वी का, एक मास हो जाता है जो वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, तो उन दोनों के बीच फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे अगर दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे होंगे, दो चार्ज रखे होंगे, स्थिर होंगे, तो उनके बीच भी एक फोर्स काम करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को ही हम बोलते हैं वैद्युत बल। अब चार्ज के बेसिस पे इसका नेचर जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है, एक होता है अट्रैक्टिव नेचर का, एक होता है रिपल्सिव नेचर का, आकर्षण बल और होता है प्रतिकर्षण बल। अब कब वैद्युत बल आकर्षण बल की तरह कार्य करेगा, कब वैद्युत बल प्रतिकर्षण की तरह काम करेगा, तो जब चार्ज की प्रकृति विपरीत होती है, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मीन्स एक प्लस चार्ज हो, एक माइनस चार्ज हो, तो एक दूसरे को वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर चार्ज का नेचर जो होता है वो समान हो, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो उनके बीच जो बल काम करेगा विद्युत बल वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब इन दोनों टॉपिक को मिलाने के बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डिफिनेशन बताएंगे वो इस प्रकार हो जाएगी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। अब अगर चार्ज अपोजिट होंगे, प्लस माइनस होगा, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब अगर चार्ज सेम नेचर के होंगे, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस होगा, तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आगे चल के इलेक्ट्रिक फोर्स का अध्ययन किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट इसका अध्ययन किए, लेकिन जो वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, जो मानी गई इंटरनेशनल लेवल पर, वो थे कूलाम। फ्रांस मूल के वैज्ञानिक थे ये। इनका नाम था, इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। तो इन्होंने दो स्थिर चार्ज के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है उसके मानों के बारे में बताया कि ये इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है दो चार्ज के बीच वो किन बातों पर निर्भर करता है और किस तरीके से इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कूलाम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जा रहा है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले कूलाम जो थे वो फ्रांस मूल के भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम था और इन्होंने इस वैद्युत बल के किया वो सन 1784 ईस्वी में किया, मीन्स 1780 के दशक में किया जाके। तो इन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, स्थिर हैं, एक चार्ज मान लेते हैं Q1, ये मान लेते हैं पॉइंट ए पर है, और एक चार्ज मान लेते हैं Q2, ये मान लेते हैं पॉइंट बी पर है, और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा आर मीटर का है। दो चार्ज हैं Q1 और Q2, पॉइंट ए और बी पर दिखाया गया है, स्थिर हैं, रखे हुए हैं। अब इनके बीच हमें पता है दो चार्ज अगर आपस में कहीं मिलेंगे तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने बताया कि इन दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है F, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आ जाएगा वो फोर्स उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स अगर इनके गुणनफल का मान ज़्यादा तो इनका फोर्स ज़्यादा, और गुणनफल का मान कब ज़्यादा होगा, जब इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा फोर्स होगा उनके, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी बड़ी क्वांटिटी में चार्ज पार्टिकल होगा, उतना ज़्यादा उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। दूसरा क्या बताया कूलाम ने, दूसरा बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है F हमारा, वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी तो F की वैल्यू घट जाएगी, दूरी अगर बढ़ेगी तो F कम हो जाएगा। ऐसा ही
आपने 11th में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है F इक्वल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने यहाँ के इलेक्ट्रिक फोर्स से, यहाँ से 12th के इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग आएगी, वो आगे बात करेंगे अभी हम। यहाँ पर क्या है, दोनों जो वस्तुएं हैं जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिनके बीच काम कर रहा है, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल है ये। यहाँ पर द्रव्यमान के बीच फोर्स काम कर रहा था तो द्रव्यमानों का गुणनफल है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के बीच काम कर रहा है फोर्स तो यहाँ पर चार्ज का गुणनफल है। फिर यहाँ पे ये भी वही था कि अगर दूरी बढ़ रही है तो फोर्स कम हो जाएगा। जाहिर सी बात, जैसे चुंबक होता है, चुंबक के पास अगर कोई लोहे वाली चीज़ चुंबकीय वस्तु या दूसरा चुंबक कोई आ रहा है तो क्या करता है, या तो रिपल या तो आकर्षण कर बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि अगर ज़्यादा ज़्यादा दूरी बढ़ती चले जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा। दूरी बढ़ने पर फोर्स कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में भी वही होता है, दूरी बढ़ने पर फोर्स कम होता है। सेम उसी तरीके से चार्ज में भी होता है, अगर चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका मान कम हो जाता है। ये आ गया दूसरा हमारा। अब अगर हम इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है, हमें पता है इसको हम फिर आगे चल के जब इक्वेशन में कवर करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा और आगे चल के कोई कांस्टेंट वैल्यू हम रखते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा F इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के तुम्हारा जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट वैल्यू की का पता हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, कूलम्ब ने किया एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने पाया कि इसकी वैल्यू जो होता है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो लगा है तो कहीं कहीं कोई कोई पढ़ता है एप्सिलॉन जीरो, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जिसका आंकिक मान जो होता है वो होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ से बात कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसे क्या बोलते हैं हम, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। तो अगर इसके की कांस्टेंट वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो हो जाएगा F इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का फार्मूला। कब, जब इनके बीच में वायु या निर्वात हो, मीन्स किसी मीडियम में ना रखे हों, हवा में दो चार्ज पार्टिकल कहीं पर स्थिर हों चल ना रहे हों, तब इनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा वो F इक्वल 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि अगर मान लें हम कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये वायु में नहीं हैं, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, समझो जल में रखे हुए हैं, पानी भरा हुआ हो उसमें दो चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो सोचो अगर कहीं मान लेते हैं ऊपर पुल है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर से अगर जंप करोगे तो पहले कुछ टाइम तक तो हवा में नीचे जाओगे। क्यों जा रहे हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जा रहे हो, वो हमें नीचे खींच रहे हैं इसलिए हम गिर रहे हैं नीचे। उसके बाद हवा में जान चलने के बाद कुछ देर बाद आप जाओगे पानी में, फिर पानी में भी अपने स्पीड की वजह से, मोमेंटम की वजह से कुछ नीचे तक जाओगे, लेकिन उसमें चेंज क्या आता है, उसमें चेंज ये आता है, देखोगे कि हवा में जितनी स्पीड से हम नीचे गिर रहे थे उतनी स्पीड से पानी में नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो हवा में कुछ अलग होता है और पानी में कुछ अलग होता है। सेम उसी तरीके से अगर हवा में दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान कुछ अलग होगा, अगर वही चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखे होंगे तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान अलग होगा। इतना आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया, दो चार्ज पार्टिकल
अगर हवा में स्थिर पड़े हुए हैं, उनके बीच की दूरी r है, दोनों का चार्ज q1 q2 है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F इक्वल 1/4 pi epsilon नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में हो, आवेश किसी माध्यम में हो, आवेश किसी माध्यम में हो, माध्यम में हो, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है वो F इक्वल होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के क्या होता है, के आपका माध्यम का परावैद्युतांक होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ के क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जल का जो परावैद्युतांक होता है, जल के जो के की वैल्यू होती है वो 81 होती है। अब अगर कोई चार्ज है हवा में है तो इतना फोर्स कम कर रहा है, अगर मान लेते हैं वही चार्ज पार्टिकल जल में रखा हो, तो यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पे के की वैल्यू 81 हो जाएगी, तो हम अपॉन में वैल्यू बढ़ रही है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, तो फोर्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, अगर के की वैल्यू बढ़ रही है, जितना ज़्यादा बढ़ेगी अप हो रही है, तो एफ़ की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। अब आगे बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट हमने बताया यहाँ पर निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है, जिसका आंकिक मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 to the power माइनस 12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। फिर आते हैं फोर्स जो होता है, पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स काम कर रहा होता है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होता है कि किस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम रूल। ओके, कूलाम के नियम का सदिश रूप, अभी तक क्या था, केवल हमने बल के परिमाण के बारे में पढ़ा था कि F इक्वल 1/4 pi epsilon naught q1 q2 / r स्क्वायर। अब हम बल को सदिश फॉर्म में पढ़ेंगे, तो अगर हम मान लेते हैं ये एक चार्ज है पॉइंट ए पर, ये चार्ज है पॉइंट बी पर, q1 और q2 इनके बीच का डिस्टेंस जो है r12 है, तो वेक्टर पता है कैसे बनता है, सदिश और अदिश में इतना ही फर्क होता है कि सदिश में हम परिमाण और दिशा दोनों की बात करते हैं और अदिश में केवल हम परिमाण की बात करते हैं। तो अभी जो हमने पीछे फोर्स लिखा वो हमने अदिश फॉर्म में लिखा था, चूंकि उसमें कहीं डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन अब जो हमने फोर्स का फार्मूला लिखना उसमें हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा फोर्स का। अब वेक्टर फॉर्म अगर कोई अदिश राशि है उसको सदिश राशि में कन्वर्ट करना है या सदिश राशि है उसको अदिश राशि में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए करना क्या होता है, 11th में एक चैप्टर एक चीज़ पढ़ा होगा इकाई सदिश, इकाई, तो इकाई सदिश मींस होता है कि जिसका परिमाण एक हो वैल्यू एक हो लेकिन उसमें डायरेक्शन मेंशन हो। तो अगर किसी वेक्टर में ये हमारा वेक्टर ए हो गया, अब वेक्टर ए जो होता है दो चीज़ से मिलकर बना है, एक तो ये खुद की सी वैल्यू हो गई ए, अब इसमें वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं लगा है, ये है अदिश राशि। अब अगर हम इसमें केवल डायरेक्शन मेंशन कर दें, कैप जो लगा होता है ये प्रदर्शित करता है इकाई सदिश को, मीन्स इसकी वैल्यू जो होता है एक है, केवल इसमें डायरेक्शन मेंशन की गई है, तो अगर हम मान में साथ में डायरेक्शन जोड़ दें तो बन जाता है वेक्टर। तो अगर हम इकाई सदिश को कन्वर्ट करेंगे, इकाई सदिश का फार्मूला हो जाता है हमारा
वेक्टर ए अपान ए, यहाँ पर जैसे बताया गया है वेक्टर ए अपान ए मीन्स वो सदिश राशि परिमाण और दिशा सहित, अपान मॉड मीन्स होता है कि उसका परिमाण उसकी वैल्यू कितना है मॉड, यहाँ पे सदिश रूप हो जाएगा F12 इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर कैप R12, यहाँ पर तक क्या था अदिश राशि थी, हमने क्या कर दिया इसमें इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब इकाई सदिश को कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है वेक्टर फॉर्म में, कैप R12 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान R12, R12 होता क्या है R12 आपका दूरी के वेक्टर को प्रदर्शित करता है कि पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर सदिश को प्रदर्शित करेंगे R12 से, और अगर बात करेंगे दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर, पहले दूसरे चार्ज की ओर पहले चार्ज से कितना काम कर रहा है तो हो जाएगा R21। अब यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए पर चार्ज Q1 है, पॉइंट बी पर Q2 है, पॉइंट ए पर जो चार्ज है उस पर पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर कैप R12, जहां पे आपका है R12 है वेक्टर चार्ज एक से दो की ओर इंगित एकांक सदिश आवेश Q1 से Q2 की ओर इंगित एकांक सदिश। आगे आते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र और मात्रक पर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो एफ इक्वल हमें पता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, अगर चार्ज हवा में हो उनके बीच की दूरी आर हो तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा एफ 4 पाई आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू अपान 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा क्यू वन क्यू टू का मात्रक। अब क्यू चार्ज है, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम और कूलाम तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम का स्क्वायर अपान 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, एफ होता है फोर्स, इसका मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन, आर दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमको निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी मैं सूत्र देख लेते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला हमको यहाँ से मिला था Q1 Q2 अपान 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी मेय सूत्र नहीं होता है यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट का भी मेय सूत्र हो जाएगा Q1 की बीमा इंटू Q2 की बीमा अपान F की बीमा इंटू आर स्क्वायर की बीमा। तो Q इक्वल हमें पता है, Q इक्वल एक फार्मूला होता है जब करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है Q इक्वल आई टी, आई मूल राशि होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो उसका बीमा हो जाता है ए और टाइम को हो जाता है टी, तो क्यू का बीमा हो जाता है ए टी, तो यहाँ पे Q1 का बीमा हो जाएगा 80, Q2 का भी बीमा हो जाएगा 80, फोर्स का भी मैं सूत्र पता होगा आप लोगों को MLT-2 होता है, R दूरी है, दूरी की बीमा L होता है, तो R स्क्वायर है L2 हो जाएगा यहाँ पे A2T2 अपान MLT-2 इनटू L2 हो जाएगा L2 हो जाएगा L3। अब यहाँ M का पावर है 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो M का पावर -1 L-3 T-2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा T के पावर 4 और ये हो जाएगा A2। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, इसी तरह देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना किए हो तो। धन्यवाद।